तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। कल हमने कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी पे बात की थी और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंडक्शन मेटल्स में कैसे होता है, इंसुलेटर्स में कैसे होता है, इस तरह की बातचीत थी। थर्मल कंडक्टिविटी का जो रोल है काफी हद तक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की तरह ही होता है और इसीलिए वीडमैन फ्रेंज लॉ पे बात की थी हमने। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसी को। और आज अगर दो कंडक्टर हों हमारे पास, थर्मल कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये कैसे निकालते हैं मैं इसको दो हिस्सों में बांट के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा ना, तो यस सर। ऑलमोस्ट ये डेरिवेशन वैसा ही है बच्चों। और फिर हम लोग 12th का जब शुरू करेंगे तो कैपेसिटेंस भी ऐसे निकालेंगे, कैपेसिटी, कैपेसिटर, चार्ज स्टोरेज की क्षमता, वहां भी हम काम करेंगे। तो हम क्या करते थे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। सीरीज में वहां हम ऐसे लगाते थे, देखिए रेजिस्टेंस आपको ना बहुत आसान पड़ेगा, मैं दो ही ले लेता हूँ सीरीज में। मेरे पास ये दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक R1 है और एक R2 है। मुझे निकालना ये है कि अगर इन दोनों की जगह पर, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पर केवल एक ही रेजिस्टेंस यूज करना हो तो फिर वो कितने रेजिस्टेंस का होना चाहिए, और वो जितने का आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू दीज टू, या दो या तीन या चार जितने भी लगे हों सीरीज में, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यार सीरीज में ये जितने भी लगे हैं इन सबको हटा के केवल एक ही अगर लगाए तो वो कितने का होना चाहिए, जितने ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक ही लगाए तो सेम करंट फ्लो हो। मतलब लॉजिक समझ में आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, यस सर। बिल्कुल। तो आज हम ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करेंगे, लेकिन पहले इसको एक बार मैं रिकॉल करा दूं क्योंकि मुझे डाउट है कि आप लोगों ने ऐसे सीखा होगा। हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, ये बैटरी का सिंबल होता है बच्चों, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसा बनाया होगा आप लोगों ने। यस सर। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव हम साइज में थोड़ा बड़ा बना देते हैं, बस ये सिंबल है। दोनों इक्वल और अपोजिट पोटेंशियल पर होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये देखना है। मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। वी का मतलब है बच्चों कि अगर आप पॉजिटिव को वी पे मानोगे तो नेगेटिव को कितने पोटेंशियल पे मानोगे, जीरो पर, क्योंकि डिफरेंस वी है। ये मैंने बताया भी था इस टाइप का आपको। अगर आप इसे जीरो पे माने तो आप इसे माइनस वी पे भी मान सकते हैं, तब भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आप इसे वी बाई टू पर माने तो आप इसे माइनस वी बाई टू पर मान सकते हैं, एंड सो ऑन, ताकि अंतर जो है वो वी आ जाए। मानवेंद्र क्लियर है? अच्छा, यस सर। बच्चों ये पोटेंशियल बैटरी जो है ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से लगाने से या कम पोटेंशियल डिफरेंस से लगाने से सर्किट के करंट कम ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना है होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस बैटरी सर। ज्यादा बड़ी बड़ी बैटरी लगा दोगे तो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला धक्का उतना ज्यादा होगा, और भाई धक्का जितना ज्यादा लगाओगे ज्यादा करंट फ्लो हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस से करंट प्रभावित होती है, रेजिस्टेंस जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। ये बात समझ में आई? अच्छा यस सर। बेटा, होता क्या है इसमें, ये जो वी पोटेंशियल जहां पर है, जहां यहां से लेकर यहां तक वायर है, हम वायर का अपना रेजिस्टेंस अभी नहीं मानते,
वायर का रेजिस्टेंस भी होता है, 12वीं क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। अभी हम वायर का अपना नहीं मानते, तो यहां से हम ये मानते हैं कि वी पोटेंशियल है, तो वी ही पोटेंशियल कहां तक होगा, जहां तक नेट रेजिस्टेंस अवेलेबल है, यहां पर लिख देता हूं वी। यहां तक भी पोटेंशियल हर जगह पर क्या होगा, वी होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसने थोड़ा रेजिस्ट किया होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को, तो फिर इसकी वजह से करंट यहां पर आते आते कुछ इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा, तभी तो रेजिस्टेंस है जब रेजिस्ट करता होगा। तो जाहिर सी बात है ये R1 और R2 के बीच वाले जोन में कुछ दिक्कत आई होगी, तो हम यहां पर अब पोटेंशियल दूसरा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। समझ में आया? यस सर, यस सर। अच्छा, और ये जो जीरो पोटेंशियल वाला है इधर छोटा टर्मिनल जिसको बनाया है इसको देखिएगा, तो ये भी जहां तक रेजिस्टेंस नहीं आता यहां तक इसका पोटेंशियल जीरो ही होगा, यहां पर ये जीरो ही होगा, ठीक हो गया। अब आप गौर करिए, पहले वाले R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो V माइनस V1 होगा या नहीं पोटेंशियल डिफरेंस? यस सर। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर होता है। मान लेते हैं इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियस है कि सीरीज में है तो दोनों में करंट बराबरी होगी, तो I तो सेम है लेकिन पहले के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1। क्लियर है? यस सर। अगर दूसरे के लिए करें तो V1 माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट तो सेम ही रहेगी R2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपको क्या मिला, V माइनस जीरो इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2। सभी लोग सहमत हैं? यस सर। यस सर। अब ये है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो साहब इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों की जगह पर अगर एक ही लगाते हैं तो कितने का लगाते हैं, जबकि बैटरी वही रहेगी, बैटरी वही रहेगी तो करंट वही फ्लो होगा। तो मान लेते हैं ये R है, तो बच्चों यहां पर सोचिए ये V पर है, तो यहां पर पोटेंशियल V होगा, यहां पर जीरो होगा, तो फिर यहां पर लगाइए इक्विवेलेंट के लिए, तो V माइनस जीरो इक्वल टू आई आर। तो इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आपको सीधे मिल जाएगा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये आपके पास इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर तीन होते तो ऐसे ही आर थ्री भी आ जाता है एंड सो। तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, मैं पैरेलल में भी समझाना चाहूंगा क्योंकि वो भी अपने आप में शानदार है, और उसके बाद फिर हम थर्मल पे आ जाएंगे दोबारा एक बार। तो पैरेलल में देखिएगा प्लीज, हम लोग ऐसे चल लेते थे, मान लीजिए ये दोनों पैरेलल का मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें, ये एक बैटरी से जोड़ दिए गए, ये R1 है और ये R2 है, ये पोटेंशियल V मान लेते हैं, ये जीरो, और सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रही है, लेकिन यहां पर तो करंट बढ़ जाएगी, तो आप मान लेते हैं कि ये I1 है और ये I2 है, ये दोनों फिर यहां पर वापस जुड़ जाएंगी और लास्ट में फिर आई करंट ही सर्किट फ्लो हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से जो आई होगा वो आई वन प्लस आई टू होना चाहिए। चार्ज ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, जैसे मास है, कंजर्वेशन का मतलब यही हुआ। यस सर। अच्छा बच्चों, ये पोटेंशियल V है, तो आप ड्रॉ करिए ऊपर वाले में जाकर, यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा, क्लियर है? यस सर। अच्छा, इधर जीरो है पोटेंशियल, तो ये जहां तक जाएगा यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो होगा। सभी लोगों को समझ में आया ये? यस सर। तो अब पहले वाले में ओम्स लॉ लगाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस जीरो इक्वल टू I1 R1, और दूसरे में लगाए तो V माइनस जीरो इक्वल टू I2 R2। क्लियर है ना? यस सर। यस
तो इसमें रख दीजिए आई इक्वल टू आई वन की जगह पर आप वी अपॉन आर वन और आई टू की जगह वी अपॉन आर टू। अगर इस पूरे तामझाम की जो एक ही लगाना हो इक्विवेलेंट, यही मतलब हुआ, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको, सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट के साथ अगर लगाना है तो वो कितने का होगा। मान लो वो आर है तो यहां पर पोटेंशियल वी होगा और यहां पर जीरो होगा, तो पोटेंशियल ओम्स लॉ फिर लगाएं इसके लिए, तो वी माइनस जीरो इक्वल टू आई आर। तो यहां से आप आई की वैल्यू वी अपॉन आर टू में रख दीजिए, तो वी अपॉन आर इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू। वी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये डेरिवेशन होता था। क्या मैं सारा रिकॉल करा पाया आप लोगों को? हाँ, यस सर, यस। रटिए मत चीजों को, इस तरह से सीखोगे तो इसमें फायदा ये होगा। आप मैं छोटे छोटे इक्वेशंस में हमने तोड़ा, एक इक्वेशन हमने ये बनाई, एक इक्वेशन हमने, हम नंबरिंग कर सकते हैं इनकी। इससे फायदा ये होगा बच्चों, आप हर हर वायर में आई वन भी निकाल सकते हो, आई टू भी निकाल सकते हो, आर वन अलग आर टू, मतलब सब निकाल सकते हो। तो चीजों को जितना सरल बनाओगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे, फिजिक्स को समझना उतना आसान होता जाएगा। तो ये तरीका है जो बेहतर तरीका है, और इसे हम डिटेल में यूज करेंगे बाद में। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी बोलिएगा प्लीज। ये मैंने रिकॉल करा दिया क्लास 10th का आप लोगों को। अब हम इसे यूज करते हैं इसी तरह से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। आगे बढ़े, यस सर, अरे भाई और लोग भी हाँ ना बोल दिया हरो कोई। कौन है नया है? पूजा नयाल, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, अच्छा ठीक है बेटा, तो हाँ भी बोल देना चाहिए कभी अगर आता है समझ में, नहीं आता है तो वो भी बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं दोबारा अब हेडिंग डाल रहा हूं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हम एक्चुअली मेटल्स पे ज्यादा, हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं पहला, यहां भी उसी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। हम इंसुलेटर पे ज्यादा स्टडी नहीं करते बच्चों, यहां इंसुलेटर्स की स्टडी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनको समझना, तो हम सिंपल मेटल के बारे में समझे अभी, अपने को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो बच्चों होता क्या है, अब थोड़ा सा रफ वर्क फिर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं दो डिफरेंट मेटल ले लेता हूं, कोई भी ले लीजिए, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है। अब सोना चांदी तो व्यावहारिक नहीं हुआ, कंडक्टर तो वो भी हुए लेकिन उतना लाएंगे कहां से हम। तो व्यावहारिक तौर पर दो डिफरेंट मेटल को हम इस तरह से जोड़ते हैं बच्चों, एक ये जोड़ दिया, उसी से एक सीरीज में ये जोड़ मान लेते हैं इसकी लेंथ एल वन है और इसकी लेंथ एल टू है। लेंथ अलग अलग हो सकती है, एक छोटा पीस एक बड़ा पीस, ऐसा तो हो सकता है। हम लोग इसकी कंडक्टिविटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी को हम K1 नाम देते थे, या कप्पावन जो भी बोलना चाहे, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को K2 नाम दे देते हैं। ये ठीक है, मान ले, यस हाँ जी मान लेते हैं बच्चों, ये लेफ्ट एंड पे टेम्परेचर ज्यादा है और सपोज यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर एंड पे T2 है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट पे कितना है, मान लो T0 है, तो ज्वाइंट वाला भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में हमने एक चीज का फायदा उठाया, दोनों ही कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन बराबर ले लिए। क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया बच्चों, ये वाला ना जो होता है, ये तीनों जगह बराबर ले लिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिया,
बराबर। तो मैं फिर जरा इलेक्टिव रेजिस्टेंस पे आ रहा हूं दोबारा। आप एक बात बताइए, अगर यहां से आई करंट फ्लो होती है तो यहां पर भी आई करंट ही जानी चाहिए, ऐसा होता है या नहीं इलेक्ट्रिक में? यस सर। तो यार थर्मल करंट में भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक तो इतना मोटा ले लूं मेटल का और एक ऐसा ले लूं पतला वेल्डिंग कर दूं इनकी, तो बच्चों अब आप समझिए यहां से एनर्जी थर्मल करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ तो ठीक है, ये करंट वेस्टेड हो जाएगी या नहीं, ये रेडिएशन में बाहर निकल जाएगी? यस सर। तो फिर करंट तो सीरीज का जो लॉजिक था आप ऊपर वाला पकड़िए, करंट जितनी पहले रेजिस्टेंस में है उतनी दूसरे से होनी चाहिए। अब वो करंट चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे थर्मल हो, तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन सेम होना जरूरी है या नहीं? यस सर। अगर आप ये कहें कि साहब आपने जहां पर ये ब्रैकेट जैसा लगाया है यहां पर हम बंद कर देंगे इंसुलेटर से, तो इतने से ही करंट फ्लो होगी फिर? मैंने कहा हाँ यार, लेकिन बच्चों फिर ये क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही माना भी जाएगा ना इधर का, तो बात तो फिर वही पड़ी। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है। सभी लोग समझ पाए कि हम इसमें क्या छूट ले रहे हैं? दो डिफरेंट कंडक्टर्स को जोड़ रहे हैं सीरीज में, वेल्डिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, और लेकिन उनके क्रॉस सेक्शन सेम रहते हैं। कार्तिक जी क्लियर है ये बात? यस सर। अगर क्रॉस सेक्शन आप डिफरेंट रख रहे हैं तो इंसुलेटर जोड़े हैं तो भी बात वही हुई ना फिर? क्लियर है सबको ये भी? यस सर। हाँ सर। तो यार अब इसको थोड़ा सा दो चार लाइन लिख भी लेते हैं। Let us consider two metals with conductivity K1 and K2 and same cross section area. एरिया मान लो ए मान लेते हैं एरिया, या टू मेटलिक रॉड्स भी लिख सकते थे, चलो ठीक है। वी एड वी कनेक्ट एड नहीं भाई कनेक्ट मैथ्स नहीं है वी कनेक्ट देम एज सोन with respective lengths, इनके length क्या क्या है? L1 and L2। ठीक है, suppose T1 is greater than T0 is greater than T2. Obvious है। हम मान लेते हैं टेम्परेचर T1 सबसे ज्यादा है और थर्मल कंडक्टिविटी है तो एनर्जी फ्लो हो रही है ज्वाइंट पे T0 होगा, और थर्मल करंट फ्लो होने के लिए जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी था वहां, ऐसे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है करंट के लिए। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के बच्चों करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, ऐसे बिना टेम्परेचर डिफरेंस के भी वही स्थिति है। ये बार बार मैं पिछले दो तीन लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है? नाउ यस सर, थर्मल करंट जितनी पहले से फ्लो होगी उतनी ही दूसरे से भी फ्लो होगी ना, सेम। इसको कहेंगे इन स्टेडी स्टेट थर्मल करंट थ्रू ईच कंडक्टर
विषय दैट इज एच वन इक्वल टू एच टू. हमने थर्मल करंट के लिए एच सिंबल यूज किया था ना. यस सर. अच्छा बच्चों एच बराबर क्या था बताइए तो. करंट मतलब थर्मल एनर्जी पर सेकेंड मतलब क्यू बाई टी याद आ रहा है. तो फॉर्मूला क्या था फिर. ट्रप्पा ए तो सेम है दोनों में. पहले का टेम्परेचर डिफरेंस क्या. पहले के लिए करंट देखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बच्चों. सर टी वन माइनस टी नॉट. हाँ अपॉन एल वन. एल वन कुछ और भी आएगा. इतना ही था. मुझे फॉर्मूला याद नहीं है. आप लोगों ने नोट किया होगा. यही था ना. यस सर. अच्छा दूसरे में के टू ए तो वही है. अब सेकंड कंडक्टर में टेम्परेचर डिफरेंस कितना मानेंगे आप. अभी मैंने रेजिस्टेंस में समझाया था. टी नॉट माइनस टी टू. शाबाश. टी नॉट माइनस टी टू बिल्कुल सही. अपॉन एल टू. इसको आप इक्वेशन नंबर वन भी लिख सकते हैं. तो बच्चों यहां से आप टी नॉट निकाल लो. ए कैंसिल हो गया. यहां से आपको एक ट्राम मिल जाएगा. कभी कभी ये जंक्शन बोलते हैं. टी नॉट को क्या बोलते हैं. किस पॉइंट का है. जंक्शन का. दो को मिला रहा है ना. तो टी नॉट कितना होगा. तो आप इससे रटिए मत. मतलब निकाल सकते हैं या नहीं. कभी भी जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाएगा तो यही तरीका होगा. थर्मल करंट बराबर कर दीजिए. सॉल्व कर लीजिए. आपकी किताबों में तो L1 L2 भी बराबर दिए रहते हैं ये लोग. तो वो तो और कैंसिल हो जाएगा और आसान हो जाता है. तो T नॉट यहां से सॉल्व हो जाएगा. आप अभी नहीं लिखना चाहते. आप ये लिख दीजिए. बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन गेट द जंक्शन टेम्परेचर T नॉट बाय सॉल्विंग अबव एक्सप्रेशन वी कैन ऑब्टेन जंक्शन टेम्परेचर टी नॉट. ठीक है. कोई सॉल्व तो नहीं कर रहा है. कर भी रहे हो या हो गया. हेलो. यस सर. अच्छा तो बता ही देना यार अगर सॉल्व कर रहे हो तो. अच्छा मैं आगे बढ़ूं. यस. टी नॉट निकाला किसी ने क्या. ये आगे बढ़ना है या आगे बढ़ जाऊं. जैसा कहते हो मैं बढ़ जाता हूं. अगर निकाला है तो बता दो. के वन टी वन एल वन प्लस के टू टी टू. यहाँ L2 है शायद. यहाँ L1 आ रहा है. अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1. क्या ऐसा आ रहा है बच्चों. तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा आ रहा है तो ये याद करने लायक नहीं है. जो इसे याद करता है वो बेवकूफ इंसान है. याद करने ही जो क्या याद करने हैं. ये लाइन
स्टेडी स्टेट में दोनों से सेम करंट फ्लो होगी, और हमेशा करंट के एक्सप्रेशन बराबर करो, सॉल्व करो न्यूमेरिकल। क्लियर है? यस यस सर। अब हम क्या करते थे इलेक्ट्रिक में, सोचो हम इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट के बारे में सोचते थे। इक्विवेलेंट का मतलब हमने दो डिफरेंट मेटल जोड़े हैं ना ऐसे, अगर स्टीरियो हम एक ही मेटल होता कोई, अब कोई मतलब पता नहीं, तो उस मेटल के बारे में सोचिए बच्चों, जो एक ही होता तो उसकी कंडक्टिविटी मान लो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के, अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L1 plus L2, मतलब L मान लो, हाँ चलो ठीक है, तो L1 plus L2 क्रॉस सेक्शन सेम लेंगे, तो मतलब अगर इन दोनों चीजों जैसे मैंने एल्यूमिनियम और कॉपर लगाए, मैंने सोचा यार इन दोनों को हटाओ, एट और एट ही लगाओ, तो उसको एट आप लगा रहे हैं ना, उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वही के निकालना है। तो अब आप ऐसा बना दीजिए इक्विवेलेंट के लिए, और अब हम निकालते हैं इसको। तो बच्चों यहां पर टेम्परेचर T1 होगा और एंड पे इधर T2 ही रहेगा ना अभी भी। yes. हाँ, तो डेरिवेशन ऐसे ही होना है यार, आसान है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। तो अब थर्मल करंट लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, डायग्राम बना लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें टू फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी we use a metal of conductivity कितनी, of conductivity J, वैसे कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, लेकिन बोलने में कई बार कंडक्टिविटी के लेंथ L1 plus L2 कॉमा क्रॉस सेक्शन सॉरी ए एंड टेम्परेचर्स T1 and T2. Now, equivalent thermal current. कितनी हो जाएगी? T1 minus T2 और क्या आता था A ना? अपॉन L1 plus L2 ये आती है? यस सर। तो तीसरा, अब एक बात बताइए, पहले में क्या था, T1 minus T0 equal to निकाल सकते हो जो पहला एक्सप्रेशन था उससे, H1 वाले से? यस सर। अरे भाई H1 H2 तो H ही था ना हर बार? Yes, हर बार करंट तो दोनों में सेम था, H1 equal to H2 equal to H ही होना चाहिए ना यार, सोचो करंट दोनों सेम है तो सिंबल H ही दो, तो पहले एक्सप्रेशन से T1 minus T0 कितना निकल जाएगा सोचो, इसको H के बराबर मानो ना, ये H आपका कितना है ध्यान से देखिए, मैं पिछले पेज पे जा रहा हूँ, T1 a T1 minus T0 upon L1, और इतना ही क्या था, K2 a
टी नॉट माइनस टी टू अपॉन एल टू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपने तो लिखा ही है, बस आप एच वन इक्वल टू एच टू को एच मान लीजिएगा बस। तो अब पहले एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, टी वन माइनस टी नॉट कितना आएगा, फिर एच वन एल वन अपॉन के वन है, एच वन जी एच ही रखो आप एच एल वन ताकि कैंसिल हो जाए ना प्रतिदिन अपॉन ओके के वन ए, और दूसरे में टी नॉट माइनस टी टू एच एल टू अपॉन टी टू, ठीक है। यस सर। बच्चों मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तरह कर रहा हूं ना, सोचो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टी नॉट कट जाएगा। यस सर। इनको भी कोई नंबर ही कर लो, वन या टू जो भी करना हो, अगर वन टू सही नहीं बैठ रहा है थ्री फोर जो भी लगे, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, वन और टू को ऐड करके टी वन माइनस टी टू इक्वल टू एच अपॉन ए कॉमन आ रहा शायद, यस एल वन अपॉन के वन प्लस ऐसा आ रहा है, यस सर। Yes, sir. तो बच्चों T1 वन माइनस टी टू की इस वैल्यू को थर्ड में रख दीजिए, तो H इक्वल टू हो जाएगा वहां K A अपॉन L1 वन प्लस एल टू और T1 वन माइनस टी टू एच अपॉन A टाइम्स L1 वन अपॉन K1 वन प्लस L2 अपॉन। तो बच्चों एच टेंसिल दोनों साइड से और ए टेंसिल, तो ट्रेड इक्वल टू कितना मिला, एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू अपॉन ट्रीट, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप सभी लोग yes. yes, बड़ा नहीं है बच्चों, अरे थर्मल करंट बराबर कर दी और इक्विवेलेंट मान ली, हो गया। अगर कभी जैसे नॉर्मली आपकी बुक्स में क्या होता है कि L1 L2 बराबर दे देते हैं ये लोग, L1 L2 बराबर दे देंगे तो इसको कितना मान लें, L मान लो से इफ करके लिख लीजिए कई बार, तो फिर K कितना हो जाएगा उस केस में, कई किताब वाले ये दिए रहते हैं टू अपॉन L L हो जाएगा सब जो, तो वो टू वन अपॉन K1 प्लस वन अपॉन K2 इक्वल टू हार्मोनिक मीन, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ K1 एंड K2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया इक्विवेलेंट ऐसे निकालते। अब अगर कभी किसी लेवल पे कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई तीन थर्मल कंडक्टर थे अलग अलग, एक के वन एक के टू और एक के थ्री, और लंबाई मान लो तीनों के बराबर है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, जहां टू है वहां पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो जहां एल वन प्लस एल टू है वहां एल थ्री भी आएगा एक और ना, यस सर यस सर, तो वो थ्री थ्री एल हो जाएगा ना। तो अगर ऐसे डेरिवेशन करोगे तो नीचे आप अपने कॉपी में खुद ही लिख सकते हो कि तीन कंडक्टर हैं और सेम लेंथ के हमने ऐड कर दिए तो इक्विवेलेंट ये आएगा। थ्री अपॉन तो एन जोड़ दें तो सर एन अपॉन वन अपॉन के, ठीक है बेटा।
तो टीसी टू कोई दिक्कत हुई इस पूरे कंसेप्ट में? नो सर। तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप एन के लिए भी खुद ही बना लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और जनरल फॉर्मूला लिखना है 3 या 3 के लिए, 4 के लिए जनरल फॉर्मूला, अगर आपके दिमाग में मन कर रहा है तो आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? नहीं सोचो मानवेंद्र, यस सर। ऊपर L1 + L2 + L3 जहां तक मन कर रहा है, नीचे L1 / K1 + L2 / K2, 3 है तो +L3 / K3, 4 है तो प्लस, एंड सो ऑन। सोचो, ऐसे भी लिख सकते हो, और लेंथ बराबर यस वाला सर। लेना चाहो तो वो भी सोच सकते हो। कैलकुलेशन में मत जाया करो, ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी जो इन फॉर्मूलों को रट रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, वो लंबे समय तक याद नहीं कर पाएगा। इस पूरे डेरिवेशन में केवल थर्मल करंट सेम है, ये लॉजिक याद रखना है, और इक्विवेलेंट क्या होता है ये याद रखना है बस। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, 8:15 पे हम दोबारा जोड़ते हैं, ठीक है, और पैरेलल वाला करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलिए ठीक है।